ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा, जय माँ काली। आज शुभ संदेश देने जा रहे हैं मीन राशि वालों को। कुछ लोग, कुछ सब्सक्राइबरों ने मुझे कहा कि कुछ तो अच्छा बोलो, तो आज बतला रही हूँ कि शुभ ग्रहों की कृपा से ऐसी 10 बातें जो आपके लिए ही बहुत शुभ है और बहुत ही सुखकर है, तो मीन राशि वाले आप देख लें आपकी ऐसी कौन कौन सी 10 भविष्यवाणियाँ करने जा रही हूँ जो आपके जीवन में उत्साह ला देगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और उत्साहित होकर आप जिस कार्य में भी लगेंगे उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। तो ऐसी क्या शुभ ग्रहों की कृपा होगी? तो अनेक शुभ ग्रह, सूर्य भी आपको लाभ देंगे, बुध भी लाभ देंगे, कुछ एक ग्रह हैं जैसे कि मंगल आपको भूमि भवन का लाभ तो देंगे, लेकिन वो किसी झंझट में, केस मुकदमे में आपके ज़मीन को, आपके घर को डाल सकते हैं। आपके परिवार में ही विवाद हो सकता है संपत्ति को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर। तो फिर आप कहोगे कि फिर परेशानी वाली बात करें, तो नहीं, परेशानी वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ। बृहस्पति जो है वो सभी के लिए कल्याणकारी होते हैं और जो मीन राशि वाले होते हैं उनके स्वामी होते हैं गुरु, यानी कि बृहस्पति, यानी कि विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की कृपा आप पर रहेगी और लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर रहेगी। आज तक आप जितने उदास थे, आपको जो अकेलापन अच्छा लग रहा था, आज आप समाज में आ जाएंगे, समाज में आपकी नाम हो जाएगी, आपका पहचान बन जाएगा। तो कौन से ग्रह आपको क्या देने जा रहे हैं, तो चलिए हम बतलाते हैं। आपका जो गुरु है वह आपको आर्थिक उन्नति देने जा रहे हैं। अगर अर्थतंत्र में आप कमज़ोर हो रहे थे, व्यवसाय में घाटा लग रहा था अथवा कोई कर्ज लेकर नहीं दे रहा था, तो धीरे धीरे आपके कर्ज भी वापस आने लगेंगे और आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करेंगे। जो व्यवसायी हैं, जो ज़मीन का काम करते हैं, जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़े कोई भी व्यवसाय करते हो, स्टेशनरी का हो, बुक का हो, स्कूल के ड्रेस का हो, ये सारे व्यवसाय में आप अच्छा करेंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जॉब के लिए तलाश कर रहे थे उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, आप एक अच्छा जॉब प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आर्थिक उन्नति तो होगी ही, अगर जॉब मिलेगा तो आर्थिक उन्नति होगी। अगर आप अमुक व्यवसायी हैं जो मैंने आरंभ में कहा, तो भी आपकी आर्थिक उन्नति होगी। सूर्य जो है वह आपके खर्चे पर नियंत्रण करेंगे। आप बहुत व्यय करने वाले थे, व्यर्थ की, आप एक वस्तु खरीदने जाते मार्केट और दो तीन वस्तुएं खरीद लाते, व्यर्थ की, और घर में आकर आपका पड़ा रह जाता। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, खरीदने कुछ जाते हैं, खरीदने एक जाते हैं और कई ले आते हैं और घर में आकर उनका पड़ा रहता है, इधर से उधर लुढ़कता रहता है। तो आप सूर्य भगवान आपके इस व्यय पर नियंत्रण करेंगे। और ज़रा सोचो, अगर व्यय पर नियंत्रण हो जाए तो घर में बरकत तो होगी, अनावश्यक व्यय नहीं होगा, जैसे कि औषधि पर व्यय हो जा रहा था, कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम उठ खड़ा हो रहा था, जो खर्च के विषय में आप सोच भी नहीं रहे थे वह खर्चे हो रहे थे। तो इन खर्चों पर आपका नियंत्रण लगने वाला है सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक। और अगर बुध की ऐसी स्थिति रही तो आप की आमदनी भी बढ़ेगी और खर्चे पर तो नियंत्रण सूर्य भगवान करेंगे ही। हाँ, अंत में कुछ उपाय बतलाऊंगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, ये अक्सर मैं कहती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके रास्ते सपाट मिलते हों, आप चलते चले जाओ, कहीं ना कहीं खड्ड मिलते हैं, पत्थर मिलता है, कुछ और भी रुकावटें आती हैं। तो इन रुकावटों के लिए मैं अंत में उपाय बतलाती हूँ, उस उपाय को सुनेंगे और
अधिक से अधिक लोग इसे शेयर करेंगे, अपने मित्रों में, परिवारों में, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि दूसरे भी लाभान्वित हो सकें और मुझे भी अच्छा लगे। तो मुझे अच्छा लगे ऐसा नहीं चाहते क्या? हाँ, तो राहु के कारण आपको थोड़ा सही और गलत में अंतर करने में थोड़ी परेशानी होगी। अगर यहाँ पर आपने सही फैसले ले लिए, अगर राहु के कारण आप इस भ्रम में नहीं पड़े, गलत को सही कहकर चुनाव कर लिया और सही को गलत कहकर छोड़ दिया, तो परेशानी हो जाएगी। इसका भी उपाय अंत में मैं बतलाऊंगी। तो यहाँ पे गलत और सही की पहचान में थोड़ी सी परेशानी होगी और इस कारण आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। विवाह को लेकर जो उदासी चल रही थी, उस फील्ड में प्रगति होगी। आप विवाह के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। वे बच्चे जिनका प्रेम प्रसंग अटक गया था किसी गलतफहमी के कारण, वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और यह गलतफहमी दूर करेगा आपका ही कोई मित्र, यानी कि यहाँ पे आपके मित्र आपके मददगार होंगे, आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो और फिर आपका जीवन खुशियों से भर उठेगा। लेकिन एक चीज़ है, असत्य ना बोले, यह भी एक उपाय है, यह भी एक निवारण है। जॉब के क्षेत्र में प्रोन्नति है, लेकिन कुछ आपको राजनीति के क्षेत्र में कुछ विघ्न पैदा होंगे, इसलिए अपने संबंध अच्छा बनाकर रखेंगे। अन्यथा कोई आपके पीछे पड़ गया तो जो पदोन्नति होने वाली थी वह नहीं होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन संपत्ति को लेकर भाई बहनों में थोड़े विवाद हो सकते हैं। तो अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो यह विवाद भी जरूर दूर हो जाएगा। तो प्रेम संबंधों में कहा सुनी हो सकती है, परिवार में कहा सुनी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा आप संयम से काम ले, थोड़ा सा धैर्य से काम ले। बुध जो है, जैसे कि आर्थिक उन्नति करवा रहे थे तो पूंजी निवेश करवाएंगे, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, कुछ नए अवसर भी विदेश में व्यवसाय करने के आपको मिल सकते हैं। और जब ऐसे अवसर मिलेंगे आप फट से जाकर इसे पकड़ लें, क्योंकि यह समय जो मीन राशि वालों के लिए, जो 10 वर्ष भविष्यवाणियाँ मैं बतला रही हूँ, उसमें यह एक अव्वल नंबर का है, यानी कि आपका निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पैतृक जो धन है, वह आपके लिए शुभ रहेगा। वह आपके नाम हो सकता है, आपके दादा या परदादा आपके नाम उस संपत्ति को कर सकते हैं। तो धन कैसे आ रहा है? व्यवसाय से आ रहा है, आपको पदोन्नति हो रही है, कुछ पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाला है, व्यवसाय में वृद्धि होने वाला है, दिया हुआ कर्ज वापस आने वाला है, विवाह को लेकर जो उदासी थी वह खुशियों में बदलने वाला है, आपका जो प्रेम संबंध था जिसमें कहा सुनी हो गई थी, संबंधों में तनाव था, वह भी दूर होने वाला है किसी मित्र की मदद से। तो ऐसे अनेक लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन नेत्र विकार, कमर और पाँव में दर्द, नसों में और जोड़ों में कष्ट की संभावना रहेगी। और यह क्यों होगा? क्योंकि आपके शरीर में थोड़ा आलस्य भर रहा है। तो इस आलस्य को दूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें और 10 मिनट का और 20 मिनट का कपालभाति करें। तो परिश्रम से धन भी लाभ होगा, परिश्रम से व्यवसाय में भी अच्छा करेंगे, और ये थोड़ा सा परिश्रम करें तो आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। आप जब स्वस्थ रहेंगे, आप जब खुश रहेंगे, तो आप कार्य अच्छे से करेंगे। इसका एक ऐसा अचूक उपाय है कि आप बृहस्पतिवार के दिन चमेली के तेल में दीपक जलाएं हनुमान जी के पास, और विष्णु और लक्ष्मी जी के पास घी का दीपक जलाएं, और हनुमान जी के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर मंगलवार को यह करते हैं तो उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल शुभकारी होगा तो आपको लाभ देंगे। और ऐसे भी विष्णु भगवान तो आपके देवता ही हैं, तो विष्णु भगवान के पास और लक्ष्मी जी के पास आप घी का दीपक जलाएं और ओम ह्रीं विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर लें, अथवा
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुन ले, इससे भी जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ थी वो दूर हो जाएंगी। और ये अच्छी लगी है जानकारी तो ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।